सोचा था मतलब कुछ ही लोग आएंगे, बट एक्चुअली में बहुत कम लोग आए. बट चेक दिस आउट गाइस, मैं तो 2 घंटा लाइव था इंस्टाग्राम में. आई डोंट नो ये बैग कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए अच्छा लगता है. एंड डोंट वरी, कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये यूज करता हूँ. ओ वो आ चुके. अरे भैया क्या मॉडिफिकेशन करवाया अभी. ये हंजू आदी धार. Hey guys, welcome back to my another vlog. And ये है January 1st, 2023 का first vlog. And I hope आप सभी का ये न्यू ईयर बहुत बहुत अच्छा जाए. And yeah, अभी सबको न्यू ईयर विश कर लेते. सबसे पहले तो नितेश है, तो let's go. Happy New Year भाई. Same to you brother. Happy New Year. And लो पब्लिक को क्या बोलना चाहोगे. And Happy New Year to all of you guys. इतने ही बस इतना बोलना. अरे गुड विशेस दो यार. सो गाइस, इसी के साथ न्यू ईयर का पार्टी वार्टी तो आज तो 1 तारीख है. आज मैं नतान के वहाँ पे भी जाना पड़ेगा फिर से, बिकॉज उसके मम्मी ने मुझको बहुत बार बोल के रखा था कि नहीं प्रतीक यू हैव टू कम, क्योंकि वहाँ पे बॉन फायर ये सब बहुत होने वाला है. तो वहाँ पे भी जाते हैं एंड देखते हैं वहाँ का सीन क्या है. एंड और एक सरप्राइज है कि तुम्हारे भाई ने कुछ लिया है, इसका एक सिनेमेटिक तो वीडियो इससे पहले नहीं तो इसके बाद आ जाएगा. एंड यस, अभी फ्रेश अप हो जाते पहले. सो गाइस, ये ईयर का फर्स्ट डे एंड चेक आउट द वेदर कि कितना स्मूथ एंड कितना तगड़ा हो रखा है. लेट मी शो यू, एकदम धूप, क्लियर सब कुछ, इतना क्लियर वेदर एंड अप्रिशिएबल, बहुत अप्रिशिएबल. ओ माय गॉड, एकदम बहुत सुकून मिल रहा है ऐसा धूप देख के. फर्स्ट डे इतना स्ट्रांग एंड या हम लोग का भी खाना बन रहा है. एंड नीतू का हालत देखिए, बेचारा बहुत थक गया आज, बहुत दिन बाद अपना घर को साफ किया उसने. तो यस गाइस, एंड लेट मी गेट फ्रेश अप नाउ एंड उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट मिलते हैं. सो गाइस, मैं बता देता हूँ मैं इतना टाइम क्या कर रहा था. मैं जस्ट फ्रेश अप होने के बाद मैं थोड़ा एडिटिंग का कुछ काम बाकी था, वो करते करते मेरे को इतना भयंकर नींद आ गया. बिकॉज 31st का नाइट जो था ना, मतलब बहुत बहुत ऑसम तगड़ा. मैं तो 2 घंटा लाइव था इंस्टाग्राम में. आई डोंट नो आप लोग ने शायद देखा होगा अगर आप लोग वहाँ पे थे तो. वही तो नींद बहुत कम हो चुका था, तो एडिटिंग करके डायरेक्ट मैं सो गया था. तो सो के उठा एंड यस, अभी शाम के बज रहे 5 बज गए ऑलमोस्ट. तो अभी नतान का कॉल आया था मेरे को, तो उसके घर में बॉन फायर एंड सब कुछ वहाँ पे प्रिपेयर है, तो वहाँ पे जाने वाले हैं. तब तक आप भी देखते रहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है. एंड आके भी लेट्स सी, उसके घर से आने के बाद भी वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग हियर. तो यस, आप लोग भी देखते रहे एंड ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ब्लॉग. ओ माय गॉड, प्यू. सो गाइस, फाइनली आई एम रेडी एंड दिस इज माई आउटफिट, सेम ही है. हाँ, उस दिन भी जैसे गया था. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शो यू गाइस इज दैट ये बैग कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए. एंड मार्वल यू कैन सी, एंड इसका यहाँ पे भी पायरेटी लिखा हुआ है. आई डोंट नो आप लोगों को दिखा दे रहा है कि नहीं, बट ये बैग मुझे इतना ऑसम लगा ना. एक्चुअली ये गिफ्ट है मेरे एक अंकल से, ही गिफ्टेड मी व्हेन आई विजिटेड गुवाहाटी. हाउ डज इट लुक गाइस. और एक चीज़ आप लोग शायद सोच रहे होगी कि ये बैग अभी मैं कैरी करके क्यों लेके जा रहा हूँ. ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है, जस्ट इसको बैग को मेरे को निकालना था एंड आप सभी को दिखाना था. बट दिस बैग लुक सो सेक्सी गाइस, क्योंकि कंफर्ट भी बहुत है इसमें. इनर स्टोरेज भी कैसा है मैं आपको दिखा दूंगा बाद में. बट या अभी लेट हो रहा है तो अभी अपने प्रियांकू को लेकर निकालता हूँ. एंड प्रियांकू मीन्स मेरा साइकिल है एंड इसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है. सो गाइस, आई वांट टू शो यू समथिंग इज दैट कि मैं बॉडी फ्रेग्रेंस के लिए क्या यूज़ करता हूँ. एंड आई यूज़ दिस पार्क एवेन्यू का ये सिग्नेचर कलेक्शन. ये इसका स्मेल बहुत मुझे अच्छा लगता है. इसका नियो है NEO, यू कैन सी. अगर आप लोग लाइक मार्केट में जा रहे हो किसी ढूंढ रहे हो तो यू कैन गो फॉर दिस. एंड इसका अगर आप लोग को स्मेल अच्छा लगे यू कैन ऑल्सो परचेज. बट मेरे को तो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है. एंड डोंट वरी, कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. एंड इसके साथ अभी निकलते पहले, डन आता हूँ. इसमें अपने प्रियांकू को लेके ऑलमोस्ट नतान के घर में पहुँचने वाला हूँ. एंड बाकी क्लिप मैं आपको वहाँ पर जाके मिलता हूँ. एंड आई नो कि आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हो, बट स्टिल थोड़ा बहुत मैं मैनेज करने का कोशिश कर रहा हूँ. बट अभी जाते हैं एंड उसको कैचअप वहाँ पे करते हैं.
एंड वो पीछे पीछे भाग रहे हैं मेरे. यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है. प्रतीक भैया भी आने वाले हैं, जाकर देखते हैं. ओह वो आ चुके. अरे भैया क्या मॉडिफिकेशन करवाया अभी. अच्छा ये क्या है, ये नीला नीला सा क्या है भैया, बताना. बीस्ट बनाया. अच्छा एक चीज लगाया क्या आपने, कैसा लग रहा है. अरे बहुत मस्त लग रहा है, बहुत मस्त. हाँ बहुत मस्त दवाई लगा दी पूरी. क्या था क्या बना दिया इसको. हाँ बहुत सही बनाया. सो गाइस मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ. एंड यहाँ पे मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे इतना भीड़ होने वाला है. एंड सुभाष भी इज़ हियर विथ मी. एंड यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पे कितना भीड़ है. मैं सोचा था एक्चुअली, मैं क्या सोचा था बताया, मैं सोचा था कि यहाँ पे सिर्फ चार पाँच जन ही आने वाले हैं. एंड सिर्फ फैमिली आदमी रोलेंस के, प्रेसबिटेरियन के एंड चर्च के स्टूडेंट्स लोग सब यहाँ पे आए हुए. वो लोग आए हैं बेबिलियन स्कूल और दूसरे कुछ स्कूल के भी कुछ स्टूडेंट्स. एक्चुअली नतान की मम्मी जो है ना वो प्रिंसिपल है एक्चुअली. यस मॉर्निंग लोरी स्कूल के. यहाँ का सीन तो सब सॉर्ट आउट है बट नतान अभी निकल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे वो इंट्रोवर्ट टाइप है ना, बट वो शाय ज़्यादा करता है. सो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा है वो. यहाँ पे आ चुका था एंड मैं सोचा था कुछ ही लोग आएंगे बट एक्चुअली मैं बहुत कम लोग आए. बट चेक दिस आउट गाइस. यस सो गाइस बहुत प्यार, बहुत प्यार. अभी सो इसी के साथ आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो गाइस भाई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज गाइस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भागो भागो. सो गाइस इसी के साथ न्यू ईयर आज डे फर्स्ट खत्म हो चुका है एंड आज का डे इतना अच्छा गया है एंड एज यू कैन सी इन द वीडियोस. एंड तो अभी मैं घर जाने वाला हूँ. तो एवरीवन बाय 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 एंड नतन. सो गाइस ये अभी मैं निकलता हूँ एंड इसी के साथ सभी को साथ टेक केयर, गुड नाइट एंड फिरी बैठूंगा. टाटा बाय बाय.